नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। भारतीय रिजर्व बैंक ने द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा की। रेपो दर 1/4% घटाकर 6.25% की गई। रॉबर्ट वाड्रा और कार्ति चिदंबरम धन शोधन के अलग अलग मामलों में प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुए। राज्यसभा की कार्यवाही, उच्च शिक्षण संस्थानों में प्राध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया में बदलाव को लेकर विपक्षी दलों के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित। उच्चतम न्यायालय ने मुजफ्फरपुर बालिका आश्रय गृह मामले को दिल्ली की अदालत में स्थानांतरित करने का आदेश दिया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 10 नक्सली ढेर। और चेन्नई ओपन चैलेंजर टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में प्रजनेश गुणेश्वरन का सामना अर्जुन खाड़े से होगा। दोपहर समाचार के साथ मैं विमलेंदु पांडे। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता वाली द्विमासिक मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर 6.5% से घटाकर 6.25% कर दी है। आज मुंबई में समिति की बैठक हुई, जिसमें रिवर्स रेपो दर 6% और बैंक दर 6.5% करने की भी स्वीकृति दी गई। श्री शक्तिकांत दास ने कहा, जीडीपी ग्रोथ फॉर 2019-20 सकल घरेलू उत्पाद की दर वर्ष 2019-20 के दौरान 7.2 से 7.4% के बीच रहने की संभावना है। उल्लेखनीय है कि मुद्रास्फीति की दर कम हुई है और अगले एक वर्ष के दौरान इसके 4% के दायरे में ही रहने की उम्मीद है। और एट इट्स टारगेट ऑफ 4%। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बैंक ने कहा है कि जनवरी मार्च तिमाही के दौरान खुदरा मुद्रास्फीति की दर 2.4% रहेगी, जो पिछले वर्ष अप्रैल से सितंबर के दौरान 3.4% थी। बाजार की उम्मीदों के अनुरूप रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता वाली मौद्रिक नीति समिति ने आज नीतिगत रेपो दर में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती को तत्काल प्रभाव से लागू करने की घोषणा की। इस घोषणा से घर के साथ निजी तथा कार ऋणों पर ब्याज की दर कम होने और नागरिकों को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। नए गवर्नर शक्तिकांत दास की नियुक्ति में तथा अंतरिम बजट के बाद यह पहली नीतिगत समीक्षा है। एमपीसी की अगली बैठक 2-4 अप्रैल 2019 के बीच निर्धारित है। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस वर्ष रबी की बुआई पिछले वर्ष की तुलना में 4% कम हुई है, लेकिन रबी मौसम के अंत तक ये कमी पूरी हो जाने की संभावना है। 6 सदस्यीय समिति ने कहा है कि देश के आर्थिक विकास को लेकर कई प्रकार की चुनौतियां हैं। समिति ने निजी क्षेत्र में पूंजी निवेश पर बल दिया है। रॉबर्ट वाड्रा आज दूसरे दिन धनशोधन मामले में नई दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुए। एजेंसी ने कल भी श्री वाड्रा से पूछताछ की थी। ये पहली बार है जब रॉबर्ट वाड्रा वित्तीय लेनदेन के सिलसिले में जांच के लिए एजेंसी के समक्ष उपस्थित हुए हैं। वाड्रा के खिलाफ लंदन स्थित 19 लाख पाउंड की संपत्ति की खरीद में धनशोधन के आरोप हैं। उनका बयान धनशोधन कानून संरक्षण के अंतर्गत रिकॉर्ड किया जाएगा। श्री वाड्रा ने अवैध रूप से विदेश में संपत्ति रखने के आरोपों से इनकार किया है और इसे अपने खिलाफ एक राजनीतिक षड्यंत्र बताया है। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के पुत्र कार्ति चिदम्बरम आईएनएक्स मीडिया मामले में आज प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुए। एजेंसी ने कार्ति को समन भेजा था। इस मामले में सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ने कार्ति से कई बार पूछताछ की है। दोनों एजेंसियां इस बात की जांच कर रही हैं कि तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के समय में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड ने 2007 में आईएनएक्स मीडिया को विदेशी निवेश की मंजूरी कैसे दी। राज्यसभा की कार्यवाही, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में प्राध्यापक भर्ती प्रक्रिया में बदलाव को लेकर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, वाम और अन्य दलों के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। ये दल शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाते हुए सरकार से पिछली 200 प्वाइंट रोस्टर प्रणाली के आधार पर उच्चतर शिक्षा संस्थानों में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने की मांग कर रहे थे। इन दलों के सदस्यों ने मांग की कि जल्दी ही इसमें संशोधन के लिए एक विधेयक लाया जाए जो पुरानी आरक्षण प्रणाली बरकरार रख सके।
बहुजन समाज पार्टी के सतीश चंद्र मिश्र ने कहा कि इस नई प्रणाली से अनुसूचित जाति और जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग आरक्षण से वंचित रह जाएगा। राष्ट्रीय जनता दल के मनोज झा ने कहा कि सरकार को न्यायालय में इस बदलाव को चुनौती देने वाली याचिका दायर करने के बजाय इस पर विधेयक लाना चाहिए। कांग्रेस और अन्य दलों ने भी इस मुद्दे का समर्थन किया। सदस्यों के सवालों का जवाब देते हुए मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सरकार की आरक्षण प्रणाली में किसी भी बदलाव से इनकार किया। मुझे पूरा विश्वास है कि रिव्यू पिटीशन में न्याय होगा। हमारी प्रतिबद्धता आरक्षण के लिए पूरी है, 100% है। हम इस पर आज नहीं आने देंगे। श्री जावड़ेकर के जवाब से असंतुष्ट समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही पहले 2 बजे तक और फिर दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सरकार ने कहा है कि प्रसार भारती का उद्देश्य राजस्व कमाने के बजाय देश के लोगों की सेवा करना है। सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने आज लोकसभा में कहा कि प्रसार भारती के कार्यक्षेत्र में देश की परंपराओं और संस्कृति का संरक्षण प्रमुख है, क्योंकि प्राइवेट प्रसारण चैनल व्यापारिक कारणों से कई कार्यक्रम नहीं दिखाते। उन्होंने कहा कि प्रसार भारती अपने कार्यक्रमों में सुधार के लिए निरंतर प्रयासरत है। भारत का 99% से ऊपर जो आबादी है उसको रेडियो के सिग्नल्स पूरा कवर करते हैं, साथ में टेलीविजन के सिग्नल्स जो अब हैं वो डायरेक्ट टू होम ट्रांसमिशन के माध्यम से पूरे भारत का एरिया कवर करते हैं। सेट टॉप बॉक्स के अंदर कुछ एक चैनल्स ऐसी भी हैं जिसमें आप रेडियो को सुन सकते हैं। बदलती टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए ऑल इंडिया रेडियो के जो चैनल्स हैं उसको हमने इंटरनेट पर भी प्रोवाइड करा है, तो किसी के पास जो कोई फोन हो तो उसके ऊपर मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके रेडियो के कार्यक्रम सुन सकते हैं। आकाशवाणी के कार्यक्रम अधिशासियों के प्रोन्नति से संबंधित नियमित विभागीय प्रोन्नति समितियों के गठन के बारे में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि कुछ मामलों में मुकदमेबाजी के चलते इन समितियों का गठन नहीं किया जा सका। उन्होंने ये भी बताया कि सरकार ने पिछले वर्ष सितंबर में इन अधिकारियों की पदोन्नति से संबंधित एक आदेश जारी किया था। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश में बेरोजगारी बढ़ गई है। श्री खड़गे ने कहा कि सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में बड़ी संख्या में पद खाली पड़े हैं और सरकार इन खाली पदों को भरने में विफल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा के अंत में आज अपना जवाब दे सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। क्या बच गए? बच गए जी, बच गए। कोई गाँव के पैसे बच गए। वो कैसे? कम हुई बीमारी जो दरवाजे हुए बंद, बजे सबके हजारों पैसे, दवाई इलाज के खर्चे हुए कम। बच गए जी, बच गए, सबके पैसे बच गए। भारत के घर घर में शौचालय खुला, अब खुले में जाना बंद, रखो दरवाजा बंद। और याद रहे, शौचालय का इस्तेमाल और देखरेख हर कोई हर रोज हमेशा। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। गुड मॉर्निंग भाई हरे डस्टबिन। गुड मॉर्निंग नीले डस्टबिन। चलो भाई अब काम पे लग जाए। अरे अरे अरे, प्लास्टिक बैग नीले में बहन जी। इसमें सब्जी के छिलके हैं। छिलके हरे डस्टबिन में और प्लास्टिक नीले डस्टबिन में। पेपर, गत्ते और उनसे बनी सभी वस्तुएं नीले डस्टबिन में और हरे डस्टबिन में सिर्फ सब्जी, फल, बचा हुआ खाना, चाय पत्ती और गिरी हुई फूल पत्ती इत्यादि। अच्छा, अब कर लो याद, घर हो या बाहर, गीला कूड़ा हरे में और सूखा कूड़ा नीले में। अपने शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में अव्वल बनाएं। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जनहित जारी। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। उच्चतम न्यायालय ने मुजफ्फरपुर बालिका आश्रय गृह मामले की सुनवाई को बिहार से दिल्ली की अदालत में स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की सुनवाई दिल्ली में साकेत स्थित पॉक्सो अदालत में किए जाने का निर्देश दिया है।
न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया है कि इस मामले की सुनवाई 6 महीने के अंदर पूरी कर ली जाए। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में आज सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 10 नक्सली मारे गए हैं। पुलिस ने बताया कि बहरामगढ़ पुलिस थाना इलाके में जंगल में करीब 11 बजे ये मुठभेड़ हुए। बीजापुर के पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग ने आकाशवाणी को बताया कि घटनास्थल से 11 हथियार सहित 10 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। निश्चित ही बड़ी सफलता है पुलिस के लिए ये, जिसमें डीआरजी और एसटीएफ की संयुक्त टीम ऑपरेशन में थी। 10 नक्सल ऑलरेडी मारे जा चुके हैं और 11 वेपन हम लोगों को मिल चुके हैं। अभी भी पार्टी सर्चिंग कर रही है। ये माड़ इलाके में ऑपरेशन हुआ था, नेंद्रावती नदी के दूसरे छोर पर, और उनका जो कोर हाइड आउट एरिया है जहाँ पे वो लोग एकदम निसंकोच होकर रहते हैं, वहाँ पे पार्टी ने निश्चित ही बड़ी सफलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों से भारत और बांग्लादेश के संबंध बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। आज नई दिल्ली में बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉ एके अब्दुल मोमिन के साथ बातचीत में श्री मोदी ने प्रधानमंत्री शेख हसीना के नए कार्यकाल के दौरान बांग्लादेश के साथ संबंधों को बढ़ाने की भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री मोमिन ने प्रधानमंत्री को द्विपक्षीय संबंधों के हाल के घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी। बांग्लादेश के विदेश मंत्री 4 दिन की भारत यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंचे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल विभिन्न देशों के साथ कई समझौता ज्ञापनों को मंजूरी दी। ये देश हैं मलेशिया, नामीबिया, नॉर्वे, ब्राजील, मालदीव, संयुक्त अरब अमारात, फिनलैंड और उज्बेकिस्तान। ब्राजील के साथ पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों और होम्योपैथी के क्षेत्र में सहयोग पर सहमति बनी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर भी उपलब्ध हैं। हाई, दिस इज साइना नेहवाल। पेट्रोलियम पदार्थ सीमित हैं और जल्द ही खत्म हो जाने वाले हैं, इसीलिए इन दुर्लभ पदार्थ को बचाना जरूरी है। पेट्रोल एवं डीजल के बचत के लिए अच्छी ड्राइविंग हैबिट्स अपनाइए, अपने वाहनों का अच्छा रखरखाव करें और ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें। एलपीजी बचाने के लिए प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करें। पीसीआरए द्वारा बताए गए साधारण टिप्स अपनाइए। आइए दोस्तों, हम ईंधन बचाएं और देश की प्रगति में हाथ बटाएं। डाउनलोड द पीसीआरए एंड्रॉइड ऐप टू नो मोर अबाउट सेविंग फ्यूल। इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सच में तेरे प्लांट्स देखकर मन खुश हो जाता है। कितने हरे भरे और सुंदर दिखते हैं। अब सब्जियाँ भी उगा रही हूँ। ये कौन सा जादू करती हो? होम कंपोस्ट का, तुम खुद। और क्या, बड़ा ही आसान है। किचन वेस्ट यानी गीले कूड़े को किसी भी टोकरी या मटके में डालो और कुछ ही दिनों में हो गया कंपोस्ट तैयार, और कचरे वाली गाड़ी का इंतजार भी खत्म। अब तो मुझे कंपोस्ट बनानी शुरू करनी ही पड़ेगी। अपने शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में अव्वल बनाए, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। ये आकाशवाणी है। चेन्नई ओपन चैलेंजर टूर्नामेंट में प्रज्ञेश गुणेश्वरन सहित 4 भारतीय खिलाड़ी सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। प्रथम वरीयता प्राप्त प्रज्ञेश ने जर्मनी के डेनियल अल्तमायर को हराया। साकेत मायनेनी ने विजय सुंदर प्रशांत और अर्जुन खाड़े ने डोमिनिकन रिपब्लिक के जोस हार्डनेस फर्नांडीज को पराजित किया। क्वार्टर फाइनल में प्रज्ञेश गुणेश्वरन का सामना अर्जुन खाड़े से होगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने स्वाइन फ्लू से निपटने के उपायों की उच्च स्तरीय समीक्षा की है। मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि इस महीने की 3 तारीख तक देशभर में स्वाइन फ्लू के करीब 6,700 मरीजों का पता चला और 226 लोगों की इससे मौत हो गई। देश के 11 राज्य इस रोग से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग भारी बर्फबारी और चट्टानों के खिसकने के कारण आज लगातार 2रे दिन भी बंद है। मौसम विभाग ने अगले 12 घंटों तक ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना व्यक्त की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय रिजर्व बैंक ने द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा की है। रेपो दर 1/4% घटाकर 6.25% की गई है। रॉबर्ट वाड्रा और कार्ति चिदम्बरम धनशोधन के अलग अलग मामलों में प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुए हैं। राज्यसभा की कार्यवाही, उच्च शिक्षण संस्थानों में प्राध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया में बदलाव को लेकर विपक्षी दलों के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई है। उच्चतम न्यायालय ने मुजफ्फरपुर बालिका आश्रय गृह मामले को दिल्ली की अदालत में स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। और चेन्नई ओपन चैलेंजर टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में प्रज्ञेश गुणेश्वरन का सामना अर्जुन खाड़े से हो रहा है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।